छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मकता परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई की जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए, वहीं 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हाँ, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अभी मुलाकात हुई और उनको छत्तीसगढ़ में जो नक्सल गतिविधि चल रही है उसके विषय में अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उतने ही की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद खत्म करना है, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, वहाँ के जवान काम कर रहे हैं। कोई खास निर्देश या कुछ बातें अमित शाह की तरफ से की गई हैं? उनको तो हर चीज़ पता रहता है, कि वो भी चिंता करते रहते हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि 10 महीने में कई बार छत्तीसगढ़ जा चुके और स्पेशल नक्सलवाद को लेके दो बैठक।